वेलकम टू माई YouTube चैनल विजय लव टिप्स। आज की मेरी वीडियो है कि बार बार ऑनलाइन चेक करना अपने कटप्पा को सही है गलत है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को चेक कर रहे हो, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रही, ऑनलाइन है वो, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, रात को 12 बजे ऑनलाइन है, 2 बजे ऑनलाइन है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको ना रिप्लाई कर रही है ना कॉल करना जरूरी समझ रही है, आपका बॉयफ्रेंड ऑनलाइन होकर बिल्कुल टोटली आपको इग्नोर कर चुका है, जैसे आप कुछ हो ही नहीं। आप मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो और आप तड़प रहे हो, बार बार उन्हें चेक कर रहे हो, आपसे रहा नहीं जा रहा, वो DP चेंज कर रही है, वो स्टेटस वगैरह लगा रही है, वही चीज़ें आपको जीने नहीं दे रही है। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ गई कि हम इन चीज़ों से बाहर कैसे निकले, हमें तो तड़प हो रही है, हमें तो अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए, पहले तो वो हमें तुरंत रिप्लाई कर देती थी, आज हम उसे रिप्लाई करते हैं 2 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है या 4-5 घंटों में रिप्लाई आ रहा है, सर क्या करें क्या करें। तो आज मैं आपको टोटली सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सके, जो आप तड़प रहे हो, जो आप गिड़गिड़ा रहे हो, जो आप भीख मांग रहे हो, ताकि बार बार चेक करने से अच्छा है आज आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सके। उससे पहले अगर ज़्यादा रिलेशनशिप से रिलेटेड नीड हो तो आप कॉल बुक कर सकते हो, इसके कुछ चार्जेस है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे जाके आप कह सकते हो हमें चार्जेबल कॉल बुक करनी है और आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। चलो मेरे पॉइंट पे आ जाते हैं। उससे पहले इंस्टाग्राम पे दबा के फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम यूजर नेम ये रहा मेरा, इंस्टाग्राम विजय लव टिप्स नाम से अपनी यूजर आईडी है, वहां जाओ और विजय लव टिप्स सर्च करो, डायरेक्ट आप मुझसे कनेक्ट हो पाओगे। बार बार ऑनलाइन चेक करना सही है गलत है? पहली बात तो ये, अगर आप हरकतें करोगे तो कभी आप निकल नहीं पाओगे डिप्रेशन से और पागल हो जाओगे। क्या चेक करना यार, सामने वाले का मन नहीं है आपसे बात करने का, ये चीजें क्लियर कट आपको पता चल रही है नहीं चल रही? अगर मन होता तो वो आपको रिप्लाई दे देती। अब आप बैठ के गंगू तेली बन के, ठीक है, उसका वेट कर रहे हो 2 घंटे तक, रात को 3 बजे तक ऑनलाइन है, 2 बजे तक ऑनलाइन है, क्या मिल रहा है आपको? तकलीफ आपको हो रही है, आप और डिप्रेशन में जाओगे, आप टैबलेट ले रहे हो, आप मर रहे हो, आप उनसे भीख मांग रहे हो, वो आपको तड़पा रही है, तड़पा रहा है, आप रिप्लाई पे रिप्लाई कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? बाबा जी का लुल्ला, ठीक है। पहली बात ये, ऑनलाइन चेक करना सही है गलत है? एकदम गलत है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। अब कोई यार 10 मिनट ऑनलाइन रह सकता है, 1 घंटे अगर कोई रह रहा है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे तो डेफिनेटली वो बात ही कर रहा होगा, किसी से कर रही होगी, ठीक है। स्टेटस वगैरह देखने में कितना टाइम लगता है, 15-20 मिनट, आधे घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, बट कंटिन्यूसली आपकी गर्लफ्रेंड, कंटिन्यू आपका बॉयफ्रेंड ऑनलाइन है और आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपकी वैल्यू 0 है, वो आपसे प्यार नहीं करती, नहीं करता, ठीक है, रियलिटी यही है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर लड़ाई की वजह से ऐसा हो रहा है, यार लड़ाई चलो एक बार हो गई, ठीक है, तब ये चीज़ें होना नॉर्मली है, बट अगर बिना लड़ाई के वो आपको ऐसे ट्रीट कर रही है, कर रहा है, तो दाल में कुछ काला है भैया, ऐसे कोई हमें लात नहीं मारता। आज आप अपने घर पे जा रहे हो और आपको जाने ना दिया जाए, तो कब्जा कर लिया आपके घर पे लोगों ने, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे ये रहे और आप भी दिखा रहे हो, तो वो आपको नहीं जाने देंगे, वहां कब्जा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपकी गर्लफ्रेंड किसी और में इन्वॉल्व हो रही है, आपका बॉयफ्रेंड किसी और में इन्वॉल्व हो रहा है, 12-1-1 बजे तक कोई फ्रेंड से बात नहीं करता, 1 दिन हो जाता है, बट डेली अगर यही हालत हो रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसकी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है, वहां आप कैसे मूव ऑन करोगे, ठीक है। क्योंकि यार देखो, आप इन्हें समझाओगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, गुस्सा करोगे, प्यार करोगे, आपको रिजल्ट 0 मिलेंगे, ठीक है। या आपको एक ही बात कहेगी या कहेगा, नहीं यार मैं तो फ्रेंड से बात कर रही थी, अरे मैं तो वो काम कर रही थी, कर रहा था, व्हाट्सएप पे कौन से काम होते हैं, व्हाट्सएप पे इतनी लेट तक ऑनलाइन है, ये कौन सा सिस्टम आ गया है, इतने बेवकूफ, इतने चूते भी मत बनो कि आपकी लाइफ झंड हो जाए, ठीक है। अब वो आपसे व्हाट्सएप पे बात क्यों नहीं कर रही, पहले ये चीज़ अपने माइंड में डाल लो, आज तुमसे कोई बात करना चाहता है, ठीक है, वो रिप्लाई कर रहा है, कर रही है, तुम्हें पता है इसने रिप्लाई कर दिया, बट तुम उठाना जरूरी नहीं समझोगे, ठीक है, मैसेज का रिप्लाई नहीं दोगे, सीन नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, तुम्हें पता है ये पका देगी, पका देगा, वो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, और जिसकी इमेज हमारी नज़रों में हाई है, तुरंत ऑन द स्पॉट हम रिप्लाई देंगे, हाँ भाई, हाँ मैम, हाँ ये फलाना ढीकना बाउली चड्डी बाउली धोती, तुरंत रिप्लाई दे देंगे, और जिसकी वैल्यू हमारी नज़रों में 0 है, उसको हम रिप्लाई नहीं देंगे, 2 दिन बाद रिप्लाई देंगे, हाँ कैसी हो, हाँ कैसे हो, चलो बाय, फिर उसका तो कट गया भाई पत्ता। तो वैसी कंडीशन आपकी हो रही है, आपको रिप्लाई इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप उसकी नज़रों में 0 हो चुके हो, आपकी कोई औकात नहीं है उसकी प्यार की नज़रों में। अगर ये कंडीशन बार बार आपके साथ
साथ आप फेस करने को मिल रही है तो वहां से दूर हटो। कोई आप इतने कुत्ते भी नहीं हो कि भाग रहे हो और सामने वाला आपको कुछ दे ही नहीं रहा, ठीक है। अब कोई आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रहा, ये नहीं आप जाके हासिल कर लोगे, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ अगर आपको कोई प्यार नहीं दे रहा तो आप हासिल नहीं कर सकते, वहां आपको दूर हटना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफ टोटली झंड हो जाएगी। अब वो आपको बेवकूफ भी बना सकती है, बना सकता है कि नहीं मैं तो भैया से बात कर रही थी, ये हूँ वो हूँ, है ना। तो आप कैसे पता करोगे? पता आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। व्हाट्सएप हैक वगैरह ये सब बड़ा चूतिया प्रोसेस है। इससे अच्छा मैं तो एक ही चीज कहूंगा, साइलेंट होके दूर हट जाओ यार। कोई हमें अगर कहीं बुला ही नहीं रहा किसी बर्थडे पार्टी में या किसी फंक्शन में, ठीक है, या कोई सेरेमनी हुई है या दोस्त का कुछ इवेंट वगैरह हो रहा है, हमें बुला ही नहीं रहा कोई, अब हम तैयार होके ऐसे जाएंगे अच्छे लगेंगे या कोई आपसे बात करना ही नहीं चाह रहा, आप बार बार मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, वहाँ उन्हें चेक कर रहे हो। चेक करने से आपको बहुत तकलीफ होगी यार, ये ऑनलाइन है मेरे को रिप्लाई नहीं कर रही है, स्टेटस लगा रही है। देखो मैं यही कहूँगा, एफर्ट्स लगाओ बट इतने भी मत लगाओ कि सामने वाला आपको लाइटली ले, कुत्ता समझ ले। कुत्ता बनने से अच्छा है हीरो बनो, हीरोइन बनो, अपनी लाइफ को ट्रेंड पे लाओ, ठीक है। अब कोई आपको कुछ करना ही नहीं चाह रहा तो आप जबरदस्ती थोड़ी हासिल कर सकते हो, इतनी चीजें क्यों नहीं सोचते? प्यार 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 प्यार, बाबू सोना रोना धोना भागना दौड़ना, ऑनलाइन ब्लॉक अनब्लॉक, यही जिंदगी है क्या तुम्हारी? है घोड़ा घोड़ी तेल वेल, यही है क्या? इसी में रह जाओगे क्या? हैं, बिल्कुल ऐसी रोते रहोगे क्या, गिड़गिड़ाते रहोगे क्या? थोड़ा तो खुद से प्यार करना सीखो, थोड़ा तो अपनी वैल्यू करो ताकि सामने वाला भी आपकी वैल्यू करे। है सामने वाला आपको कुछ दे ही नहीं रहा, आप उन्हें चेक कर रहे हो, ये चीजें कर रहे हो, बार बार ऑनलाइन चेक करने से आपकी लाइफ झंड हो जाएगी। इससे अच्छा बार बार आप खुद को चेक करो, आप क्या थे क्या बन गए, ठीक है। खुद के लिए टाइम निकालो, खुद की केयर करो, खुद के ड्रीम के लिए सोचो यार। हैं, चेक करने से क्या मिलेगा? वो आ जाएगी आपके पास, आ जाएगा, घंटा ही नहीं आने वाली, घंटा ही नहीं आने वाला, दूर और चल जाएगी, दूर चला गया, है ना। क्योंकि आप उसे कहोगे तू ऑनलाइन है, रिप्लाई नहीं कर रही, क्या हुआ, बहुत सारी चीजें होंगी। इससे अच्छा आगे बढ़ो लाइफ में, है ना। अगर वो नहीं करना चाह रही बात तो जबरदस्ती फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जबरदस्ती हम किसी को हासिल नहीं कर सकते, और जबरदस्ती आप हासिल भी कर लोगे तो वो चीज वो सुख नहीं मिलेगा आपको जो आप सुख चाहते हो, है ना। देखो एक अपना मजा अलग ही है, पैसे खुद हम कमाएंगे, उसको खर्च करेंगे, उसका एक अलग ही मजा है, है ना। उसको हम संभाल के रखेंगे, और फ्री फोकट में कोई चीज मिल जाए या हम हासिल कर ले उसमें डर रहेगा, अगर आप चोरी चकरी कर लोगे, पुलिस ना पकड़ ले, ये चीजें हो जाएंगी। तो मेहनत करके जो हम कमाई करते हैं उसका सुख अलग है, ठीक है। और जो प्यार सामने वाले के अंदर होता है उसको गढ़ने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। अब सामने वाले के अंदर प्यार ही नहीं है और हम जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती करोगे तो आपकी वो ख्वाहिश है, ठीक है, आपकी वो होनी चाहिए ना, होना चाहिए ना दिल से भी, वो चीज नहीं है उसके अंदर दिल से, तो आपको दूर हटना चाहिए। ये ऑनलाइन चेक करने से अच्छा है नंबर डिलीट करो, पिक वगैरह डिलीट करो, इन्हें निकाल के फेंको ताकि इन्हें भी सबक मिले इन्होंने किसको छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि कोई अगर ऑनलाइन होके हमें रिप्लाई नहीं कर रहा तो वो हमसे बात नहीं करना चाहता, उसकी नजरों में हम जीरो है। अगर हम जीरो है तो हमें जीरो करके इनके नंबर डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है, और फिर हीरो बनना चाहिए, फिर हीरोइन बनना चाहिए। तो खुद से प्यार करो, खुद की लाइफ से प्यार करो, डेफिनेटली दुनिया एक दिन तुमसे जरूर प्यार करेगी, ठीक है। अब ये मत कहना रह नहीं सकते, सब रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, आप ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखना, अच्छा लगता है दिल को। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको दिख रहे होंगे, या आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, तो आप दोनों जगह मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखो, खुश रहो और फैमिली का ध्यान रखो, मैं तो यही दुआ करूँगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।